यहाँ अडवाणी जी का रथ रुका था, रुका था लालू जी, रुका था तो हस्त क्या हुआ, पूरे दुनिया का सबसे स्थापित और बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो गई। जैसे मोथा घास को उंगली लगा के कबाड़ा जाता है, टोटल प्रतिपक्ष को कबार के 40 में 40 सीट जीत लेंगे और ये लोग टुकुर टुकुर देखते रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी गई है। हर महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं और आज 100वां संस्करण था, यानी कि 100वां एपिसोड था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे जुड़कर, देश के लोगों से जुड़कर अपनी मन की बात कही है। हमारे साथ नवल किशोर यादव हैं जो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मन की बात सुन रहे थे। कैसे देखती है बीजेपी से, क्योंकि अगले साल लोकसभा का चुनाव है और 100वां संस्करण हो गया, क्या ये एपिसोड अब बढ़ता ही जाएगा? ये बीजेपी नहीं देखती है, ये पूरे भारत और आज के एपिसोड पूरे दुनिया के लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जो एक प्रेरणादायक जो संबोधन है, जो गांव से शहर से जो अद्भुत त्याग की क्षमता रखने वाले लोग हैं, वो तमाम लोगों को प्रधानमंत्री जी सामने लाते हैं, एक्सपोज करते हैं और पूरे दुनिया को बताते हैं, ताकि ये प्रेरणा मिल सके। कोई अपने बच्चों का पूरा शरीर का एक एक ऑर्नामेंट्स दान करता है, वो तमाम, उसका कहने का मतलब कि सोसाइटी हमेशा कॉमन जिम्मेवारियों से और जो सामूहिक एकता से ही चलता है और दूसरे के प्रति त्याग की भावना जो है बनी रहे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी मन की बात में यह करके आदमियों को, एक आदमी को दूसरे आदमी से नज़दीक लाने की प्रेरणा दिया है और सोसाइटी हमेशा प्रेरणा से, लोक लज्जा से और वापस की सहभागिता से ही चलता है। लेकिन आपके सामने विपक्षी खेमा है, कांग्रेस है या बिहार में आरजेडी, वो तो कह रही है कि प्रधानमंत्री सिर्फ मन की बात करते हैं, ना देश की बात करते हैं, ना आम जनता की बात करते हैं, वो सिर्फ अपने मन की बात को सुनाते हैं। जिनको परिवार की बात सुननी है, बेटा बेटी की बात सुननी है, माँ पापा की बात सुननी है, व्यक्तिवादियों को कुर्सी की बात सुननी है, अपने जनरेशन की बात सुननी है, सुविधा की बात सुननी है, उनको प्रधानमंत्री जी के ये बात, जो सोसाइटी में दिलों से दिलों को जोड़ना, सड़कों से सड़कों को जोड़ना, देश को दुनिया से जोड़ना, राज्य को भारत से जोड़ना, ये अच्छा उनको लगेगा नहीं, चूँकि वो परिवार जोड़ने वाले लोग हैं, सुविधा भोगने वाले लोग हैं, उनको निश्चित रूप से अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, आज 100वीं मन की बात ही लगता है कि एपिसोड आगे बढ़ता ही जाएगा, ये रुकेगा नहीं, निश्चित अगले साल लोकसभा चुनाव भी निश्चित रूप से बढ़ना ही चाहिए। इससे सोसाइटी में आज हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं भाई बहन सब एक साथ, उसका कारण तो एकमात्र प्रधानमंत्री जी के जो मन की बात है, वरना किसी को कोई फुर्सत है का किसी से भेंट होने का? जी, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इसी बिहार में बैठे हैं और इसी बिहार से अब बिगुल फूंका जा रहा है, शंखनाद किया जा रहा है और 2024 में नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने की पूरी तैयारी है, विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी है। देखिए, यहाँ अडवाणी जी का रथ रुका था, रुका था लालू जी, रुका था तो हस्त क्या हुआ, पूरे दुनिया का सबसे स्थापित और बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो गई। फिर इस बार रोक लो तो भारत में जैसे मोथा घास को उंगली लगा के कबाड़ा जाता है, टोटल प्रतिपक्ष को कबार के 40 में 40 सीट जीत लेंगे और ये लोग टुकुर टुकुर देखते रहेंगे। देखिए, विपक्ष का हाल क्या होगा, ये आपने सुना है। नवल किशोर यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मन की बात सुन रहे थे, तमाम तस्वीरें आपको दिखा भी रहे होंगे। ऐसे में विपक्ष को चुनौती नहीं मान रही है बीजेपी और नरेंद्र मोदी का जो ये मन की बात वाला संस्करण है, एपिसोड है, वो बढ़ता ही जाएगा, ये विश्वास भी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।